ये बहुत एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू, इसका हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। बाकी तुम लोग भी विदाउट सब्सक्रिप्शन भी एक फ्री वाला भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें टू डिवाइसेस का लिमिटेशन है, तो एक डिवाइस में तो मैं चला के रखता हूँ, एक डिवाइस में तुम लोग कभी चला सकते हो, तो ये देख लेना। इसमें देखो मैंने काफ़ी सारा चीज़ डाल के रखा है, जैसे अब ये चार्ट है तो चार्ट में ये सुपर ट्रेंड है। हाँ, तो जहाँ इस सुपर ट्रेंड में जब ये ग्रीन है तो मतलब ये बुलिश है, और ये जब रेड हो रहा है तो मतलब अभी बेरिश ट्रेंड है। तो जब ग्रीन में आ जाएगा तब उसमें लेने का बनता है। दिस इज नंबर वन। इसमें मैंने इंडिकेटर सब डाल के रखा है। RSI मतलब RSI इंडिकेट करता है कि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, तो ये यहाँ पे ये भी डाल दिया है मैंने। तो अब 80 ओवरबॉट होता है एंड बिलो 60 मतलब 30-40 के पास में ओवरसोल्ड होता है। तो जैसे ये ट्रेंडिंग अप हो रहा है यहाँ पे, तो जैसे ट्रेंडिंग अप हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पे अभी भी माइनस का सुपर ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन तीन चार चीज़ सब चीज़ देखने के बाद में अपने ये डिसाइड कर सकते हैं कि लेना है कि नहीं लेना है। थर्ड ये है RS। RS मतलब कि ये जो स्टॉक है ये कैसा परफॉर्म कर रहा है वर्सेस दी इंडेक्स, तो या फिर उसका जो सेक्टर है उसके अगेंस्ट में कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये जैसे इंडेक्स के अगेंस्ट में ऑलमोस्ट बराबर से ही चल रहा है, कोई आउट परफॉर्म नहीं कर रहा। आउट परफॉर्म करेगा तो ये जीरो के ऊपर में होगा, और अंडर परफॉर्म करेगा तो जीरो के नीचे होगा। अब जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को अपने अगर देखते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, सपोजिंग UTI AMC देख लें, तो UTI AMC में क्लिक किया तो इसमें ये देखो जीरो के कितना ऊपर में चल रहा है, काफ़ी ऊपर ना, मतलब कि बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को। तो इसके हिसाब से ये लगता है कि अच्छा स्टॉक है। प्लस इसका यहाँ पे ये ग्रीन भी दिख रहा है, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो ये सब है। फिर यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे राइट साइड में जो बना रखा है ये इंडिसीज हैं, जैसे ये तुम्हारा नैसडैक हो गया, डाउ जोन्स, विक्स, डॉलर इंडेक्स। ये बहुत ज़्यादा आजकल लोग देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स अगर वीक रहता है तो मार्केट स्ट्रांग है, और अगर ये अगर 93-94 को क्रॉस करता है तो मार्केट यहाँ पे इंडियन मार्केट वीक हो जाएगा। बेसिकली डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है तो पैसा इंडिया से निकल के बाहर जाना चालू करता है, और डॉलर अगर वीक है तो इमर्जिंग मार्केट में आता है। इसका मतलब बेसिकली यही है। यहाँ पे इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका चार्ट यहाँ पे है। ये मिसेलेनियस कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पे डाले हुए हैं, कुछ फ्यूचर्स डाले हुए हैं, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर ये सब डाला हुआ है, बिटकॉइन डाला हुआ है, स्मॉल कैप के कुछ स्टॉक्स डाले हुए हैं यहाँ पे जो अच्छे स्टॉक्स हैं, ऑनलाइन वाले कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं उसका यहाँ पे डाला हुआ है। एक एक में तुम लोग चेक करके एक सेकंड में देख सकते हो कि ऑनलाइन में अगर रेकमेंड भी करना है कि कौन सा स्टॉक किसी क्लाइंट को, तो यहाँ से बता सकते हो कि सर आप एफली ले सकते हैं, या हैप्पीएस्ट माइंड ले सकते हैं, या कैम्स ले सकते हैं, ये सब बता सकते हैं, या IRCTC ले सकते हैं, जो भी है। फिर यहाँ पे इंफ्रा वाले स्टॉक्स यहाँ पे डाल दिए, इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स डाल दिए, इसमें से रेकमेंड भी कर सकते हैं और टेक्निकल देख के भी बता सकते हैं। IT वाला स्टॉक्स डाल दिए, एक ये स्कूल ऑफ इंट्रेंसिक कंपाउंडिंग है, एक वैल्यू इन्वेस्टर है उसका कुछ स्टॉक्स है इसलिए SOIC करके लिखा हुआ है। फार्मा के स्टॉक्स यहाँ पे डाल दिए हैं, मेटल के डाला हुआ है, रियलिटी डाला हुआ है, FMCG के अच्छे स्टॉक्स डाले हुए हैं, शुगर के डाले हुए हैं, स्पेशलिटी केमिकल जो आजकल बहुत चल रहा है उसके सारे डाले हुए हैं, ऑटो वाले डाले हुए हैं, सीमेंट के डाले हुए हैं। इसमें से ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर दिन में जैसे कोई पर्टिकुलर स्टॉक बढ़ रहा है, जैसे डालमिया भारत बढ़ रहा है, तो जो सेक्टर में अच्छा स्टॉक है और जो नहीं चला है तो उसको अपने तुरंत चार्ट पे देख सकते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी हो सकता है। फिर यहाँ पे लास्ट में है इंडिसीज, इंडिया के इंडिसीज जो स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंक, टेलीकॉम, पावर, मेटल, FMCG, ऑयल, गैस। तो कौन सा सेक्टर में तेजी आ रहा है, जैसे टेलीकॉम में तेजी है तो टेलीकॉम में कौन से स्टॉक्स हैं वो चेक करके अपने उस क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेकंड में पता चल जाएगा कि कौन सा इंडेक्स अच्छा चल रहा है और उसमें से कौन सा स्टॉक अपने को चूज करके क्लाइंट को रेकमेंड करना है। नीचे में कुछ कमोडिटीज के हैं, तो बेसिकली इसमें एक ग्लिम्प्स में हम लोग को पूरा टेक्निकल का आइडिया आ जाएगा, कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना है उसका आइडिया आ जाएगा, 80% आइडिया इसी से आ जाएगा, कुछ दिमाग लगाने की दरकार ही नहीं है।